मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीलम मिश्रा ने साथी कार्यकर्ता के साथ शनिवार को पार्टी छोड़ दी। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की एक टिप्पणी से कथित तौर से नाराज होकर पार्टी का प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। नीलम ने कहा कि उन्होंने प्रियंका से शिकायत की थी कि भदौही से पार्टी प्रत्याशी रमाकांत यादव जिला कांग्रेस कमेटी से तालमेल नहीं रख रहे हैं और उन्होंने रैली में पार्टी के कई जिला पदाधिकारियों को पास नहीं दिया। साथ ही साथ उनका ये भी आरोप है कि इस पर प्रियंका ने भीड़ के सामने ही उनसे तेज आवाज में बात की और कई कड़े शब्द कहकर पार्टी जिला इकाई के पदाधिकारियों को अपमानित किया। उन्होंने कहा कि वो और उनके साथी 12 मई को हो रहे भदौही लोकसभा सीट के चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी रंगनाथ मिश्रा का समर्थन करेंगे। और तो और इस बारे में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मुशीर ने कहा कि जिला अध्यक्ष नीलम सहित कई पदाधिकारियों ने जल्दबाजी में ये कदम उठाया है। SPN9 न्यूज से अजय रिपोर्ट।